छतरपुर शहर के नर्मदा अस्पताल का स्टाफ इन दोनों वेतन न मिलने के कारण बेहद परेशान है। कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें पिछले लगभग 4 माह से वेतन नहीं मिला है और ऐसे में उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को नर्मदा अस्पताल के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन को इस आशय का ज्ञापन सौंपकर उनकी रुकी हुई वेतन दिलाने की मांग की है। नर्मदा अस्पताल के नर्सिंग अधीक्षक पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि नर्मदा अस्पताल की छतरपुर शाखा के 60 से 70 कर्मचारियों को पिछले करीब 4 माह से वेतन नहीं मिली है, जिस कारण से सभी कर्मचारी बेहद परेशान हैं। पुष्पेंद्र ने बताया कि नर्मदा अस्पताल का आधा प्रबंधन भोपाल का है और आधा छतरपुर का। जब कर्मचारियों ने छतरपुर प्रबंधन के नरेंद्र सोलंकी और अशोक दीक्षित से बात की तो उनके द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। उल्टा यह कहकर कर्मचारियों को भगा दिया गया कि उनके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। मैं आज किस तरह का ज्ञापन देने आए थे, क्या मांग रखी है? हम और हमारा स्टाफ इसको लेकर इधर आए थे। हम लोगों की 3 से 4 महीने की सैलरी नर्मदा अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं दी जा रही है। आधा प्रबंधन हमारा जो है भोपाल का है, आधा इधर लोकल का है, तो उन दोनों के उसमें हम लोग कहीं ना कहीं पिस रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। 3 से 4 महीने से लगातार हम सैलरी की मांग कर रहे हैं, मगर हमें ये बोल के भगा दिया जाता है कभी हमारे पास फंड नहीं है, भोपाल द्वारा हमें फंड नहीं मिल रहा है। तो इसमें हम लोग तो एक मजदूर की तरह हैं, अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भी परेशान हो रहे हैं। कितने लोग हैं? हम लगभग 60 से 70 लोगों का पूरा स्टाफ है। कितनी सैलरी होगी बताया? लगभग एक अप्रोक्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि सैलरी है जो वहाँ पर एक सीक्रेट रखी जाती किसकी कितनी सैलरी है, मगर अप्रोक्स हमारे डिपार्टमेंट की जो नर्सिंग डिपार्टमेंट की सैलरी है लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए के समथिंग सैलरी है 2 महीने की। 1 महीने की 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी बनती है हमारी, तो उस हिसाब से आप लगा लीजिए 3 से 4 महीने का कितना। बात की अभी तक हम लोगों ने, भोपाल का मैनेजमेंट हमसे बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटर मिस्टर नरेंद्र सोलंकी जी बैठे हुए हैं, उनसे बात करने जाओ तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और यहाँ लोकल के जो मैनेजमेंट है अधीक्षक जी, उनके द्वारा ये बोला जाता है हमारा खुद पैसा फंसा है, हम तुम्हारा कहाँ से दे दें। अब कर्मचारियों को यह चिंता है कि उनका पैसा मिलेगा भी या नहीं। बहरहाल कर्मचारियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर अपना वेतन दिलाने की मांग रखी है। छतरपुर नर्मदा अस्पताल के स्टाफ ने वेतन न मिलने के कारण काम करना भी बंद कर दिया है। छतरपुर नर्मदा अस्पताल के कर्मचारी पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि नर्मदा अस्पताल के ओनर राजेश शर्मा इन दिनों भाजपा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जानकारी मिली है कि चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे राजेश शर्मा ने चुनाव के लिए फंड जमा करने की मंशा से जानबूझकर अपने अस्पतालों के स्टाफ की वेतन रुकवा दी है। उनके इसी निजी स्वार्थ के चलते सैकड़ों कर्मचारी वेतन के लिए परेशान हो रहे हैं। अब क्या आगे करेंगे आप लोग? अब आगे के लिए हम मजबूर हैं, जो भी हमें लीगल या कानूनी कार्रवाई होगी श्रम विभाग के द्वारा, जहां से भी हमें लगेगा अपना पैसा निकलवाने की कोशिश करेंगे। बाकी दोनों ही पार्टियां बीजेपी में, हमारे जो ओनर हैं अभी वो बीजेपी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। छतरपुर का हमें इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं, उनका भी बोल रहे हैं हमारे चुनाव चल रहे हैं, तो हम लोग उनके चुनाव के चक्कर में हमारी सैलरी लेट होती जा रही है।